पड़ेगा लगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर का। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो देख लेना, बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आए हुए हैं। थोड़ा सा शोर है क्योंकि यहाँ पर बहुत रश है, तो चलिए पहले चल के आप लोग को दिखाते हैं। पर आगे हम लोग राधा कृष्ण का मंदिर, और ये हम लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रश था क्योंकि वीकेंड था, तो बहुत रश था यहाँ पर। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ही रश था। और आगे में चेकिंग भी चल रहा था, क्या क्या अलाउड है नहीं अलाउड है सब चीज़ बताया जा रहा था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब पर ड्रेस कोड एक है जो कि हमें फॉलो करना था, और जिन्होंने भी वो ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया था उनके लिए ये चेंजिंग रूम था, और जो भी सामान आपको रखना है ये क्लॉक रूम था, जहाँ के आप लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोग लेके जा सकते हैं। बैग पैक अलाउड नहीं था, मोबाइल अलाउड है। ये सब शू रखने का जगह बना हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं सारा सामान रखा हुआ है। वॉशरूम वगैरह भी है ऐसे, और ये बाहर का नज़ारा देखने का जगह है। और इस तरह से ये देखे ना, नहीं तो अभी लॉटरी लगेगा, लॉटरी लग जाए तो। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, चिल्ली वाला है ये। कुछ वेयर नॉट बियॉन्ड दिस पॉइंट। यहाँ पर हैंड वॉश, रोड पार करके है रहे थे ऊपर में, और ये बीच में रोड है। कहाँ है टेम्पल? उधर है। अच्छा, इधर यहाँ पर ये जो मैंने बोला हरिनामा द्वारा, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जहाँ के पूरा ब्लॉक ब्लॉक बने हुए थे, और अंदर में पर्सन थे जो कि चैंट कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं था, आप लोगों को मन है तो आप लोग यहाँ आके कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बोलना था हर एक फुट स्टेप पर हरे कृष्णा हरे रामा, मतलब एक एक स्टेप पर हम लोग को बोलते जाना था, जो कि बहुत ही आनंद दे रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये चीज़। आप लोग भी अगर यहाँ पर आते हैं तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम पीस ऑफ माइंड लगता है और बहुत सुंदर लगता है। हर एक फुट स्टेप पे आप लोग को बोलते जाना है। ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने के बाद में हमें ये मंदिर मिलता है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड हम लोग जाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, हर एक स्टेप पे एक एक मंदिर मिलते जा रहा था जो कि हम लोग दर्शन करते जा सकते हैं। रश तो था बहुत ज़्यादा, देख ही रहे हैं आप लोग कितना रश है। धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से चलते चलते ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ का व्यू देखिए, इतना सुंदर व्यू लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, लग रहा था कि हाँ बहुत आनंद आ रहा था।
मेन मंदिर जो है ये वाला है, जो कि हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अंदर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी आप लोग के लिए कि थोड़ा सा झलक मैं ले पाऊँ। तो ये देखिए, इतना भव्य मंदिर लग रहा था ना, इतना सुंदर, इतना आनंद लग रहा था कि हाँ कुछ देर आराम से यहाँ पर बैठे रहें और आनंद लेते रहें। बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद नीचे तरफ आने पे यहाँ पर सारा कुछ लगा हुआ था। यही नीचे में से मार्केट लगा हुआ है। कृष्णा काउंटर क्या बना है, क्या बोलते हैं कृष्णा जी, रोटी टाइप का जो है, कोकोनट ऑलिज, कोकोनट ऑलिज। कैसा लगा टेंपल? इस्कॉन टेंपल कैसा लगा? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा ना, और मन को बहुत सुकून भी दे रहा था ना वो हरे रामा हरे कृष्णा वाला, तो और अच्छा लगता है। तुमको कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। आई गेस ना पहली बार हम लोग ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा जो जब करवा रहे थे जाप वगैरह, वो बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए। तो चलिए फिर, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।